Hello students, good morning to all. Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 1.7. बेटा exercise 1.7 के कुछ basic questions हम करेंगे, कुछ basic discuss करेंगे, ठीक है? तो rounding off the numbers, ठीक है ना? हमें अपने नंबरों के अप्रोक्स पहुंचना है, ठीक है ना? उसके nearest बताना है, उस नंबर को round करना है. मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि 723 नंबर है और इसके राउंडिंग कौन सा नंबर आएगा. तो बेटा एक चीज ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन बना दी यहां, मैंने टेंस के राउंडिंग पूछा है. टेंस मतलब दो ही डिजिट, वन टेंस, ठीक है ना? दो ही नंबर लेने हैं. तो ये मेरा 20 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 30 है. अब टेंस के नियरेस्ट बोला है इसने, तो 23 के नियरेस्ट क्या आएगा? 23 के नियरेस्ट क्या आता है? या तो 20 या फिर 30. इन दोनों में से एक नंबर लेना है टेंस में. टेंस का मतलब दो ही डिजिट में देखना है आपको, तीन डिजिट में नहीं देखना. तो टेंस के पूछ रहा है, तो चलो 23 किसके पास है बेटा? मुझे एक बात बताओ, ये जो 23 है क्या ये 20 के पास है या 30 के पास है? बेटा 30 से तो काफी दूर है ना, तो ये किसके पास होगा? 20 के पास होगा. किसके पास होगा? 20 के पास होगा. तो ये किसके नियरेस्ट होगा? ये नियरेस्ट होगा 720 के, ठीक है ना? किसके नियरेस्ट होगा? ये 720 के नियरेस्ट होगा. अगर यहीं पे आपके पास 6 आ जाता, यहीं पे आपके पास 6 आ जाता और मैं आपसे कहती टेंस के नियरेस्ट बताओ, तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे 21 22 23, यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 30. अब एक बात बताओ, क्या ये सिक्स इस 20 के पास है या 30 के पास है? तो बेटा ये जो 20 है ये किसके पास है? ये 20 किसके पास है ना, सॉरी ये 6 जो है ये किसके पास है? 30 के पास है. किसके पास है? 30 के पास है. बेटा देखो 6 कहाँ है, इसमें ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें, इन दोनों में कम डिस्टेंस है, इन दोनों में कम डिस्टेंस है, इन दोनों में कम है ना, तो इन दोनों में कम डिस्टेंस है, मतलब ये 6 जो है वो 30 के अराउंड है, ठीक है ना? मतलब कहने का ये है कि अगर 5 या 5 से बड़ी कोई डिजिट आती है तो वो अगले नंबर के नियरेस्ट होता है, ठीक है ना? और अगर 5 से छोटा आता है तो 5 से, ये 5 है, इससे छोटा जो भी नंबर आएगा वो तो 20 के अप्रोक्स आएगा ना, ना कि 30 के अप्रोक्स, ठीक है ना? तो मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे, ये टेंस के अराउंडिंग था. अगर इसी तरह से हम 100 के अराउंडिंग देखें, तो एक बात बताइए, यहां पे मैंने एक और डिजिट लिख दी, 100 कहां पे हो गया? 100 हो गया यहाँ पे. अब एक बात बताओ, यहाँ पे है 700 और यहाँ पे है आपका 800, ठीक है? ये 710, 720, ये 30, ये 50, मान लीजिए ये है आपका 790 और फिर 800 हो गया. अब बेटा आपको तो 726 देखना है ना, 100 में तीन ही डिजिट आती है और तीन डिजिट में क्या है, 726 है ना आपके पास, आपको 726 देखना है न कि आगे का डिजिट. तो 726 आपके पास यहां होगा, ये तो 30 है लेकिन ये तो 720 है और ये 730 है, तो 26 यहीं पे होगा ना, इन्हीं के बीच में होगा ना 726. तो एक बात बताइए, क्या इसकी डिस्टेंस कम है या इसकी डिस्टेंस कम है? जहां डिस्टेंस कम हो हमें वही नंबर लेना है, इतना ध्यान रखना. तो डिस्टेंस तो इनके अंदर कम है, इनके अंदर कम है ना कि इनके अंदर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. देखो 30 40 50 60 70 80 90, तब जाके 800 आएगा और यहां देखो 20 10 और फिर 700. तो आप किसके अराउंड लोगे इसको, इस नंबर को आप किसके अराउंड लोगे? इस नंबर को हम लेंगे किसके अराउंडिंग? ये आगे वाला तो 2u का ही रहेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 100 के अराउंडिंग चाहिए न कि 1000 के. तो 1000 वाली डिजिट तो एज इट इज रहेगी, तो 100 क्या आएगा, ठीक है? तो इतनी बात सबको समझ आई. अगर यहीं पे आपके पास नंबर होता
ये वाला, और 100 के अराउंडिंग बताना है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे 700, वही वाली कंडीशन यहाँ पे 710, यहाँ पे 720, यहाँ पे 750 और यहाँ पे 780 और यहाँ पे हो गया आपका 800। आपको देखना है 776। अब 776 यहाँ पे मान लीजिएगा 70 है, तो 70 और 80 के बीच आता है 76 या कहाँ आता है? 70 और 80 के बीच आता है ना, 70 और 80 के बीच मान लीजिएगा ये है यहाँ पे 76। आपको 776 ही चाहिए ना, तो ये यहाँ पे है। अब एक बात बताओ, यहाँ डिस्टेंस कम है या यहाँ डिस्टेंस कम है? मैंने आपको एक बात बताया था, जहां डिस्टेंस कम हो वही नंबर आपको लेना है, तो यहाँ डिस्टेंस कम है बेटा, डिस्टेंस यहाँ कम है तो हम 800 ही लेंगे ना, हम 800 ही लेंगे ना, तो 800 लेंगे तो इस नंबर के अराउंडिंग कौन सा नंबर आ जाएगा? 2 तो यूं का यूं रहेगा, ये नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा, आएगा ना ऐसे ही। तो आपको इस तरह से इस एक्सरसाइज में करने हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गई होगी एक बात कि अराउंड नंबर क्या होते हैं, राउंड के अंदर कौन सा नंबर हमें लेना है और कौन सा नहीं लेना है। जहां डिस्टेंस सबसे कम हो वो वाला नंबर लेना है, जहां डिस्टेंस मेजर हो ज्यादा हो वहां नंबर वो नहीं लेना है, ठीक है। एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर आपके पास टेंस की बात कर रहा है, वो 100 की बात कर रहा है, वो किसी की भी 1000 की बात कर रहा है, अगर आपके पास 5 नंबर से ज्यादा वाला पॉइंट हुआ तो वहां आपको इंक्रीजिंग नंबर लेना है इधर वाला, और अगर 5 से कम हुआ तो कम वाला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। अब एक बात बताओ, ये 5 और इधर वाले नंबर एक साइड है और इधर के अगर नंबर आए तो ये वाला पॉइंट लेना है, चाहे इस पॉइंट पे कोई भी नंबर हो, ठीक है। सेम कंडीशन है आपके पास 1000 की, तो मैं एक्सरसाइज का एक या दो क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा पेज नंबर 19 से, ठीक है ना। 19 पेज से आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन करवाती हूँ। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेन, हंड्रेड एंड 1000। अब इधर देखो, यहां पे टेबल बनी हुई है, ये है सीरियल नंबर, ये है आपका नंबर, ये है नियरेस्ट 10, ये है नियरेस्ट 100 और ये है नियरेस्ट 1000, ठीक है। अब आपके पास सीरियल नंबर 1 पे एक नंबर दिया हुआ है 8056, इस नंबर का नियरेस्ट 10 बताना है आपको, किसके नियरेस्ट बताना है? 10 के नियरेस्ट। अब एक बात बताओ, 10 में दो नंबर आते हैं 5 और 6, 56। अब एक बात बताओ, 56 मैंने एक लाइन ड्रॉ की इधर 50 और उधर 60, ठीक है ना। तो 56 कहाँ है? 50 से ऊपर है ना, तो 50 से ऊपर है तो डिस्टेंस कम किसके पास है? 60 के पास है, 50 वाले पास। तो देखो, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, ये 50 है मेरा, ये 56 है ये, और ये वाला 60 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 56 ये यहाँ पे 5 4 3 2 1 और ये 56 है, तो एक बात बताइए, क्या 56 60 के नियरेस्ट नहीं है? क्या ये 50 के नियरेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर तो ज्यादा डिस्टेंस है ना, उधर कम है 56। कितने पॉइंट रह गए 56 और 60 के पास जाने के लिए? 4 ही तो पॉइंटों की कमी, इधर तो 6 पॉइंट छोड़ के आ रहा है,
तो 60 के पास डिस्टेंस कम है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 56 की जगह क्या ले लूँ, 60 ले लूँ, क्या ले लूँ, 60। 8060। अब बताना है नियरेस्ट 100। अब 100 के नियरेस्ट बताना है आपको, 100 के नियरेस्ट कैसे बताओगे, वही बात है 56। तो 56 वन से लेके 56 तक, 56 नंबर हो गए, और 56 से लेके 100 तक पहुंचने के लिए आपको क्या 56 जितने ही नंबर चाहिए, नहीं चाहिए, अब ज्यादा क्रॉस कर चुके बेटा, वन से लेके 56 तक डिस्टेंस ज्यादा हो गई, या 56 से 100 तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस है, 56 से 100 तक पहुंचने में कम डिस्टेंस है, तो हम क्या लेंगे, इधर तो मेरे पास 1 हो गया और उधर हो गया 100, और 56 मेरे पास यहाँ पे है मान लीजिएगा, तो यहाँ कम डिस्टेंस है 100 के पास पहुंचने के, या फिर ये वापिस 1 के पास चला जाए, नहीं ये 100 के पास जाएगा क्योंकि इधर इसको कम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100, तीन नंबर, 100 तक तीन नंबर होते हैं, और तीनों नंबरों को हटा के हमें उसकी जगह पे एक नियरेस्ट नंबर लिखना है। उसके बाद है नियरेस्ट 1000। अब 1000 मेरा इन चारों नंबरों से रिलेटेड है, अब इन चारों नंबरों से देखो फिर वही बात आ गई 56 वाली बात आ गई, तो 56 का मैं एक नंबर, ये पॉइंट जो है ये आपके लिए छोड़ देती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि किसमें क्या आएगा। अब 1000 के लिए मुझे एक बात बताओ, क्या 1000 करने के लिए, यहां तो हो गए 8000, ठीक है, और यहां हो गए 9000, आपके पास तो सिर्फ 56 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 56 नंबर है, उससे ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसके पास ही तो डिस्टेंस कम है, इसके पास तो 9000 के लिए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है बेटा, सिंपल सी बात है, एक तो आपके पास 8056 रुपए हैं, क्या आपके पास 9000 हो गए रुपए, नहीं हुए, वो तो 8056 रुपए ही तो ज्यादा है, क्या 1000 के अंदर 56 रुपए बहुत ज्यादा होते, नहीं होते, वो तो 100 के पास भी नहीं पहुंचे 56, तो फिर 200, फिर 300, फिर 700, 800, 900, और फिर 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 56 क्या है, थोड़ा डिस्टेंस है ना, थोड़ा कहां पे 8000 के पास है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक बार एक नंबर देती हूं मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, इस नंबर की 4567, इसके तीनों पॉइंट आप घर पे अच्छे से करोगे, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगी, लेकिन एक बार प्लीज जरूर कर लेना, ठीक है ना। HW read page number 19। एक बार पेज नंबर 19 से रीड जरूर करना, ठीक है, आज के लिए आपका HW यही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम दोबारा से फिर कराएंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, रीड जरूर करना, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय।